दोस्तों, आप में से सभी लोगों ने कभी ना कभी तो वॉकी टॉकी को जरूर देखा होगा। दोस्तों, आप लोगों को वॉकी टॉकी के देखने के बाद आपके मन में कुछ ना कुछ सवाल पैदा हुआ होगा, जिनमें से कुछ सवाल इस भी हो सकते हैं दोस्तों कि आपके मन में यह सवाल पैदा हुआ होगा कि वॉकी टॉकी काम कैसे करते हैं, वॉकी टॉकी कैसे वर्क करता है, या फिर वॉकी टॉकी 2017 के जमाने में क्यों यूज करते हैं, उससे बेटर तो हमारा स्मार्टफोन है। दोस्तों, अगर आपके मन में भी यह सवाल उठता है तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ वॉकी टॉकी के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष, आप देख रहे हैं हर्ष वीडियो। हर्ष वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं वॉकी टॉकी के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके मन में उठे कुछ सवाल को क्लियर कर देना चाहता हूँ। दोस्तों, आप लोगों के मन में यह सवाल उठता होगा कि वॉकी टॉकी जो है स्मार्टफोन से बेटर है, यानी 2017 के जमाने में वॉकी टॉकी को क्यों यूज किया जाता है, या फिर वॉकी टॉकी पुराना है, उसे अब यूज नहीं करना चाहिए, अब स्मार्टफोन का जमाना है तो स्मार्टफोन यूज कीजिए। दोस्तों, मैं सिंपली मैं आपको बता दूं कि जो आपका स्मार्टफोन है वो वॉकी टॉकी की जगह कभी नहीं ले सकता, क्योंकि दोस्तों आपको वॉकी टॉकी और स्मार्टफोन में दोनों में अलग अलग कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों, जो आपका स्मार्टफोन है वो सिग्नल के द्वारा एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन दोस्तों वॉकी टॉकी में ऐसा नहीं है। वॉकी टॉकी अपना सिग्नल खुद क्रिएट करता है। अगर आपके स्मार्टफोन में सिग्नल नहीं है तो आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते दो लोगों के बीच, लेकिन वॉकी टॉकी में ऐसा नहीं है, क्योंकि वॉकी टॉकी तो अपना सिग्नल खुद क्रिएट करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपके मन में सवाल था कि वॉकी टॉकी को अभी यूज नहीं करना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे खत्म हो जाता है, क्योंकि वॉकी टॉकी मैंने आपको बता दिया कि जो आपका स्मार्टफोन है वो वॉकी टॉकी की जगह कभी नहीं ले सकता। दोस्तों, यहाँ पे बात करें वॉकी टॉकी की काम करने की कॉन्सेप्ट की, तो वॉकी टॉकी में कुछ कंपोनेंट्स उपलब्ध होते हैं। दोस्तों, इस कंपोनेंट इस प्रकार हो सकते हैं: ट्रांसमीटर यानी ट्रांस रिसीवर, सिग्नल रिसीवर, बैटरी, सर्किट्री और लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन। और दोस्तों, यहाँ पे जो खास चीज होता है यानी बेटर चीज जिसको होना जरूरी है वो होता है पुश टू टॉक। जी हाँ दोस्तों, ये जो मेन फीचर है यहाँ पे मेन कंपोनेंट है पुश टू टॉक। दोस्तों, अब इस चीज को मैं मतलब ये वॉकी टॉकी वर्क कैसे करता है उसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, मान लीजिए कि आप एक टीम बनाए हुए हैं 12 लोगों का। दोस्तों, ये 12 लोगों का जो टीम है एक ऑपरेशन पर निकला है। दोस्तों, आप लोग अलग अलग एक छोटे से एरिया में अलग अलग फैल जाते हैं, मतलब कि आप लोगों को वर्क करना है, किसी को वहां पे खड़ा रहना है, फिर किसी को वहां पे खड़ा रहना है, किसी को वहां पर खड़ा रहना है, मतलब अलग अलग जगह फैलना है एक ही कॉन्सेप्ट एरिया में। तो दोस्तों, वहां पे आप लोगों को कम्युनिकेट करना है, तो आप लोग वहां पे वॉकी टॉकी का यूज करना चाहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग जितना भी लोग हैं टीम मेंबर्स में सब जगह एक जगह इकट्ठा होते हैं, उसके बाद अपने वॉकी टॉकी को एक चैनल पे फिक्स कर देते हैं। यानी एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए 360 मेगाहर्ट्ज़। तो 360 मेगाहर्ट्ज़ पे जितने भी वहां पे वॉकी टॉकी मौजूद है, यानी आपके मेंबर 12 मेंबर, आपके टीम में 12 मेंबर हैं, तो 12 वॉकी टॉकी होगा, तो 12 वॉकी टॉकी 360 मेगाहर्ट्ज़ पे फिक्स कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों, वो चारों तरफ अपने अपने फैल जाते हैं। उसके बाद अगर किसी भी मेंबर को, टीम के मेंबर को कम्युनिकेट करना दूसरे मेंबर से, तो जस्ट वो अपने वॉकी टॉकी में अपने यूनिट में टैप करता है पुश टू टॉक। पुश टू टॉक जैसे ही टैप करता है दोस्तों, उसके बाद उसका जो वॉकी टॉकी है वो लिसनिंग मोड में आ जाता है। उसके बाद जैसे भी जो भी बोलेगा वो आपके मेंबर में 12, आपकी टीम में 12 मेंबर्स हैं, वो 12 मेंबर्स के पास जो बोलेगा वहां पहुंच जाएगा। उसके बाद आपके टीम में से कोई मेंबर्स उसे रिप्लाई भी कर सकता है, वो जैसे ही रिप्लाई करेगा तो आपके सारे टीम के पास फिर से वो पहुंच जाएगा। दोस्तों, ये तो हो गया सिंपल वे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के मन में ये सवाल हुआ कि कितना दूरी तक काम करता है, यानी इसका सिग्नल स्ट्रेंथ कितना दूर तक रहता है। दोस्तों, यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ डिपेंड करता है कि आपका यूनिट कितना पावरफुल है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख लीजिए ये वॉकी टॉकी, ये छोटा सा वॉकी टॉकी ज्यादा से ज्यादा 50 फीट, 100 फीट, 200 फीट तक वर्क करता है। और दोस्तों, कुछ बड़े बड़े वॉकी टॉकीज आते हैं जो पुलिस मिलिट्री काम में लेती है, वो कई किलोमीटर तक काम कर सकती है। और दोस्तों, ये तो हो गया सिंपल वे। एक और भी होता है दोस्तों, जैसे कि आप लोग ढेर सारे थे इकट्ठा करके, यानी ग्रुप में बात करने का। अब दोस्तों, यहाँ पे किसी स्पेसिफिक पर्सन से बात करने में वॉकी टॉकी वर्क कैसे करता है? दोस्तों, जैसे आप लोगों की टीम में 20 मेंबर है, आप लोग सिक्योरिटी में काम करने आए, यानी किन लोगों का गाड़ी का देखभाल करना है, किन्हीं को उसका देखभाल करना है, किसी को फलना चीज, किसी को फलना चीज, मतलब अलग अलग वर्क करना है सबको, सबको अब आपको बात करना है किसी स्पेसिफिक पर्सन से। दोस्तों, सब अपने अपने वॉकी टॉकी को अलग अलग चैनल पे फिक्स करते हैं। और दोस्तों, किन्हीं का 360 हो सकता है, किन्हीं का 340 हो सकता है, किन्हीं का 320 हो सकता है, यानी अलग अलग जो चैनल है उस पर फिक्स कर लेते हैं। उसके बाद वो अलग अलग चैनल फिक्स किए हैं उसका लिस्ट बनाते हैं और सब लोग आपस में बांट लेते हैं। उसके बाद जो लिस्ट फिक्स हुआ, सपोज डेट 360 मेगाहर्ट्ज़ मेरा चैनल है और अगले जो पर्सन है उसको मेरे से बात करना है, तो अपने जो वॉकी टॉकी है उसको 360 मेगाहर्ट्ज़ चैनल पे ट्यून करेगा। उसके बाद पुश टू टॉक का ऑप्शन दबेगा, मतलब टैप करेगा बटन जस्ट। उसके बाद फिर आपका जो लिसनिंग मोड में चला आएगा आपको वॉकी टॉकी, फिर आप यहाँ से जो बोलिए आपके जो 360 जिसका भी आपके टीम के मेंबर में होगा उसके पास आप जो बोलिएगा वो चला जाएगा, उसके बाद वो रिप्लाई कर सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अगर किसी पड़ोसी या फिर बगल में किसी भी पर्सन है उसके पास भी उसका जो वॉकी टॉकी है वो भी 360 मेगाहर्ट्ज़ पे
ट्यून्ड हो दोस्तों, अगर उनका भी 360 मेगाहर्ट्ज़ पर ट्यून हो तो आप दोनों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगा, जो भी बातचीत होगा, वो तीसरा भी सुन सकता है। इसीलिए दोस्तों ये भी होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मिलिट्री और पुलिस में कॉन्सेप्ट अलग होती है। वहां पे वो चाहते हैं जो वो जो दोनों बीच में बात कर रहे हैं वो कोई तीसरा ना सुने, इसीलिए वहां पे कभी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया घटाया जाता है, फिर यहाँ पे से इनक्रिप्ट करके भेजा जाता है डेटा को, वहां पर फिर स्क्रिप्ट किया जाता है, मतलब कि कुछ ना कुछ अलग फ्रीक्वेंसी कभी ऊपर कभी नीचे करके भेजा जाता है। दोस्तों बस यही थे कुछ सिंपल वे जिसके द्वारा वॉकी टॉकी वर्क करता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वॉकी टॉकी कैसे वर्क करता है ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।